तो आज मैं एक नया चैप्टर लाया हूँ दोस्तों आपके लिए, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, जो आपका एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से आप जो है अच्छे अच्छे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। आप एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि फॉर्मूला है, फॉर्मूला के बहुवचन जो होता है प्लूरल होता है, फॉर्मूला का प्लूरल फॉर्मूले होता है। एक नया चीज़ ये भी जानकारी दे जो बच्चे नहीं जानते हैं, जो मेरे फ्रेंड दोस्त नहीं जानते वो जाने कि फॉर्मूला का जो प्लूरल होता है फॉर्मूले होता है, और इस फॉर्मूले से मैं साधारण ब्याज का सवाल को सोल्व कर पाएंगे। इसे याद रखेंगे तभी आपसे सोल्व होगा, नहीं तो सोल्व नहीं कर पाएंगे, आप सवाल नहीं बना पाएंगे और परीक्षा में टाइम आपका खत्म हो जाएगा, सोचते सोचते खत्म हो जाएगा। इसलिए आप इस फॉर्मूला को याद करें, ये बेसिक फॉर्मूला है, 8, 9, 10 में जो इसका यूज किया है फिर से आप उसे दोहरा लें, ताकि आने वाले जो कंपटीशन है, NTPC का एग्जाम है, ग्रुप डी का एग्जाम है, जो भी कंपिटेटिव एग्जाम है, उसमें आप आसानी से सवाल को सोल्व कर सके। ये दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट SI बराबर फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला है P गुना R गुना T, प्रिंसिपल गुना रेट गुना टाइम, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100 होता है। सेकंड फॉर्मूला है P से, क्या होता है P से होता है P बराबर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब मूलधन हो गया हिंदी में, P बराबर I गुना 100 बटे R गुना T, I से हो गया इंटरेस्ट और R से हो गया रेट, टी से हो गया टाइम, आर से रेट, दर हो गया, टी से टाइम हो गया समय कहते, इसे ए से अमाउंट हो गया जो कि मिस दर बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है फॉर्मूला की पी बराबर मूलधन गुना 100 बटे 100 प्लस आर गुना टी, दर गुना समय, प्रिंस मूलधन बराबर जो होता है, तीन फॉर्मूला है, तीनों फॉर्मूला से आप आसानी से सवाल याद रहेगा तो समय आपका ज्यादा नष्ट नहीं होगा, वेस्ट नहीं होगा, और आप आसानी से कोई भी फॉर्मूला से लगा के निकाल सकते हैं, नहीं तो कठिनाई होगा, देर से निकलेगा। तो फर्स्ट है प्रिंसिपल बराबर आई गुना 100 बटे आर गुना टी, सेकंड प्रिंसिपल बराबर मिश्रधन गुना 100 बटे 100 प्लस आर गुना टी, थर्ड है प्रिंसिपल बराबर मूलधन बराबर मिश्रधन माइनस इंटरेस्ट, एक फॉर्मूला है दर बराबर जो कि इंटरेस्ट गुना 100 बटे प्रिंसिपल गुना टाइम, मूलधन गुना 100 दर, ब्याज गुना 100 बटे प्रिंसिपल गुना टाइम, ये फॉर्मूला है। नेक्स्ट है मिश्रधन बराबर पी गुना पी प्लस आई, यानी कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। नेक्स्ट फॉर्मूला है, दो फॉर्मूला आपको याद रखना है, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, एक मूलधन इंटू 1 प्लस दर गुना टाइम बटे 100, एक टाइम बराबर इंटरेस्ट गुना 100 बटे पी गुना आर। यह फॉर्मूला से आप जो है सवाल को, सिंपल इंटरेस्ट के सवाल को बना सकेंगे, आप इसे याद कर ले। मैं अभी इसका यूज कैसे होता है, फॉर्मूला कैसे सेट करते हैं, इसे मैं बता। तो ये रहा साधारण ब्याज का फर्स्ट सवाल दोस्तों आपके लिए, इसको कैसे हम फॉर्मूला पे बनाते हैं और कैसे हम एग्जाम में बनाते हैं, दो विधि से आपको बताएंगे बनाने के लिए, ताकि आप एग्जाम में समय का नष्ट ना हो जाए, आपका टाइम बर्बाद ना हो, दो तरीका से बताएंगे, एक सिंपल तरीका से, एक ट्रिक विधि से बताएंगे। तो इसे जो है बनाने का जो तरीका है, हमको क्या निकालना है, 2500 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा, इसे बनाते हैं। साधारण ब्याज बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर, आपको मैं फॉर्मूला बताया था, आप मेरे पिछले वीडियो में देखे होंगे कि जो है फॉर्मूला, इस वीडियो में जो फॉर्मूला को जो बताया, याद होगा तो आप आसानी से बना सकेंगे, या तो पहले से आपको याद है तो भी आप आसानी से बना सकेंगे। साधारण ब्याज बराबर प्रिंसिपल मूलधन गुना समय गुना दर, टाइम गुना रेट बटे 100 होता है। इस फॉर्मूला पे हम इसे सेट करते हैं, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 2500 और टाइम कितना है 4 वर्ष है और रेट कितना है 5% है और 100 नीचे 100 लिख देंगे, इसे इसे काट दें, इसको गुना करें, आपका आंसर आ जाएगा 500 रुपया। तो इस तरह से आप फॉर्मूला पर सेट करके निकाल सकते हैं, नहीं तो दूसरा जो विधि है आपको निकालने का मैं बता रहा हूँ, सेकेंड मेथड है, आप एग्जाम में कैसे बनाएंगे, आपको बनाना है कि सवाल है, इसमें देखें और आप इसे बनाएं कैसे, 2500 रुपया 5% की दर से 4 वर्षों में साधारण ब्याज क्या होगा, ए परसेंट को और 200 को काटते, परसेंट के मतलब 100 होता है जो कि नीचे आता है इसलिए कट जाएगा, तो बच गया क्या 25 × 5 × 4 कर देंगे, 25 × 5 = 4 कितना होगा 500 रुपया। ऐसे बिना जो है फॉर्मूला सेट किए टाइम की बचत करना है, इस तरह से ऑप्शन में टिक लगाना है। तो ये सेकंड मेथड इस तरह से बनाना, बिना फॉर्मूला, फॉर्मूला को माइंड में रखना है और सवाल को तो ये रहा नेक्स्ट सवाल आपके लिए, सवाल है कितने समय में 5000 रुपये का 10% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर से ब्याज 1000 हो जाएगा, कितने वर्ष में, मतलब कि टाइम आपको निकालना है, मूलधन दिया हुआ है 5000, दर दिया हुआ है 10% और सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 1000 रुपया। तो टाइम बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज गुना 100 सिंपल इंटरेस्ट गुना 100 बटे प्रिंसिपल गुना रेट, तो सिंपल इंटरेस्ट 1000 है और गुना 100 दिया हुआ है फॉर्मूला में, अब प्रिंसिपल है 5000 और रेट है 10%, परसेंट का ही 100 होता है, तो इसे 3 जीरो कटेंगे, इससे जो कट गया ये 5 से काटे 5 × 10 करने का मतलब 2 वर्ष में 1000 रुपया हो जाएगा, एक तरीका ये है। सेकेंड फर्स्ट मेथड ये है,
सेकेंड मेथड जो है आप जो बनाएंगे एग्जाम में, सेकेंड जो है बनाने का तरीका है कि आप फॉर्मूला को माइंड में रखें और इसे कटाएं। कैसे कटाना है, तो इससे 3 जीरो कट गया, 5 बच गया, नीचे परसेंट को इसी परसेंट से इसको बटे 100 करके इस जीरो को इस जीरो से काट दें, इस 5 से काट दें, 5 × 10 करने का मतलब 2 वर्ष निकल गया समय। आप क्वेश्चन में देखें, मन में ही काटें, ना कि क्वेश्चन पे काटें। अगर एग्जाम में जाकर के क्वेश्चन पे कटपुट करेंगे तो कुछ ऐसे एग्जाम है जिसमें कि क्वेश्चन आपको जमा करना होता है और आप वो सफल हो जाएंगे, क्वेश्चन पे कोई भी ठीक रहेगा तो आपको फेल कर दिया जाएगा। तो आप इस बात को ध्यान रखें कि माइंड में आपको क्वेश्चन रखना है, फॉर्मूला को माइंड में रखना है, सिर्फ कटाना है या तो कटाना है तो साइड में लिख के कटाना। थर्ड तरीका इसे बताने का जो है, थर्ड मेथड इसे बनाने का जो है, आप ऐसे भी बना सकते हैं कि 10% के दर से 5000 का, 100 में 10 रुपया होता है तो 5000 में कितना हो जाएगा, 500 रुपया हो जाएगा। 5000 का जो 10% के दर से 500 रुपया हो जाएगा एक वर्ष में, 500 रुपया हो जाएगा एक वर्ष में, तो आपको 1000 कितना वर्ष में हो जाएगा, 1000 हो जाएगा आपका 2 वर्ष में, तो 2 वर्ष में आपका फुल क्या, ऐसे भी आप सोच करके भी टाइम निकाल सकते हैं। तो ये भी आंसर हो गया थर्ड सेकंड मेथड। आप इस तरह से भी इस सवाल को, साधारण ब्याज को सोल्व कर सकते हैं, इसका टाइम निकाल सकते हैं। थैंक यू।